आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि दो पेंडुलम बॉब्स हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है और दोनों जो हैं अपने मोशन के लोवेस्ट पॉइंट पर कोलाइड करते हैं। कोलिजन जो है हेड ऑन है और इलास्टिक है, ठीक है। और कहा गया है कि अगर दोनों ही बॉल्स को उनके लोवेस्ट पॉइंट से h अबव हाइट से अगर छोड़ा जाए तो अपने फर्स्ट कॉलिजन के बाद दोनों कितना कितना हाइट ऊपर जाएंगे। इसको डायग्राम अगर इसका बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये इसको 2m मास का बोल दें अगर, और ये m मास का है, ठीक है। तो ये अपने अगर हम देखें इसको और कुछ क्लोज करें तो ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर कोलाइड करेंगे। हमें दिया गया है कि हम अगर इनको ऊपर एच हाइट, अगर इसको एच बोल दें, इसको भी एच बोल दें, तो दोनों को इनिशियली एच हाइट पर ले जाया गया और इनको छोड़ दिया गया होगा, तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा और दोनों कोलाइड करेंगे। कोलिजन हेड ऑन है और इलास्टिक है, ठीक है। अब हमें दिया गया कि ये 2m मास का है, ये m मास का है। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर किसी हाइट h से छोड़ा जाता है किसी भी चीज़ को तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, रूट टू एच। और दोनों को h हाइट से छोड़ा गया तो दोनों की वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे सेम होगी, तो मैं उसको लिख देता हूँ वी एम इक्वल्स टू वी टू एम इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू रूट टू जी एच, ठीक है। एच हाइट से छोड़ा गया तो ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ मास m, ये वेलोसिटी ऑफ मास 2m, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हम देखें तो इस लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हम इस बॉक्स को देखें, ये अगर हम इस इन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम मान लें, ठीक है, तो इन पे केवल और केवल y डायरेक्शन में ही फोर्सेस लग रहे हैं, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स x में नहीं है तो x एक्सिस के अलोंग इनका जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पहला काम हम यही करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ। अच्छा, फाइनल सिचुएशन क्या होगा, फाइनली जो है ये दोनों बॉब्स जो है, ये m मास वाला हो गया, ये 2m मास वाला हो गया, हम बोल देते हैं कि फाइनली ये इधर और ये इधर जो है किस किस वेलोसिटी से जाएंगे, वी एम डैश से जाएगा ये, और ये वी टू एम डैश से जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा बोल दें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियली क्या है, ये जो m है ये पॉजिटिव x में जा रहा होगा क्योंकि फॉल करते हुए यहाँ आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये नेगेटिव x में क्योंकि इसका डायरेक्शन फॉल करते हुए इधर जाएगा। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लिखें तो m टाइम्स v माइनस 2m टाइम्स v इक्वल्स टू माइनस ऑफ m वी एम डैश प्लस ऑफ 2m वी टू एम डैश, ये हमारा हो गया, m से m कैंसिल हो गया सब, तो यहाँ से आ गया v माइनस 2v, तो माइनस ऑफ v इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एम डैश प्लस ऑफ 2v2m डैश, ये हमारा पहला इक्वेशन आया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ। अच्छा, अब जो है हम e का इक्वेशन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लगाते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन e का अगर फॉर्मूला लगाएं तो हमको मालूम है e क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो e इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ऑफ हो जाएगा, मैं m का वैल्यू लिखता हूँ, तो माइनस वी एम डैश माइनस ऑफ वी टू एम डैश डिवाइडेड बाय v प्लस v, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमें e क्योंकि दिया गया है कि इलास्टिक कोलिजन है तो e वन है,
तो वन, और डिनोमिनेटर हो जाएगा टू वी, तो टू वी टाइम्स वन, तो ये टू वी इक्वल्स टू वी एम डैश प्लस वी टू एम डैश, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम ऐड करें फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले तो ये टू वी में से एक वी जाएगा, तो इधर वी बचेगा इक्वल्स टू ये माइनस वी एम इधर, और इधर प्लस वी एम कैंसिल हो जाएगा, और इधर टू वी एम वी टू एम डैश और इधर वी टू एम डैश मिलकर थ्री वी टू एम डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वी टू एम डैश इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, वी बाई थ्री। तो अगर ये इतना आया तो किसी भी एक इक्वेशन में अगर वैल्यू रखेंगे तो वी एम डैश इक्वल्स टू आ जाएगा फाइव वी बाई थ्री, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि दोनों जो है फर्स्ट कॉलिजन के बाद कितना कितना हाइट रीच करेंगे, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, ये इतना रीच करेंगे। ये हम चाहे काइनेमेटिक्स से करें या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से, एच इक्वल्स टू इतना आ जाता है। तो एम जो जाएगा उसको एच एम बोल देता हूँ, तो इसका वेलोसिटी कितना है, वी एम डैश है और वो है फाइव वी बाई थ्री, उसका स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन और टोटल डिवाइडेड बाई टू जी इक्वल्स टू, अच्छा वी इक्वल्स टू हमें मालूम है इनिशियली क्या था, रूट टू जी एच, तो ट्वेंटी फाइव टाइम्स टू जी एच, क्योंकि वी का स्क्वायर लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टू जी, ये टू से टू जी से जी गया, तो हमारा एच एम जो है फाइनली आ गया एच एम इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एच डिवाइडेड बाई नाइन। सिमिलरली जब हम एच टू एम निकालेंगे, एच टू एम जब हम निकालेंगे तो एच टू एम में सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका वी जो है वी बाई थ्री है, तो वी स्क्वायर बाई नाइन हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू जी, ठीक है। और हमें वी पता है रूट टू जी एच था, तो वी स्क्वायर टू जी एच हो जाएगा, टू जी एच डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टू जी, तो ये टू जी से टू जी कैंसिल हो गया, तो हमारा एच टू एम जो है वो हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई नाइन। तो हमसे यही पूछा गया था कि दोनों मासेस कितना कितना ऊपर फर्स्ट कॉलिजन के बाद कितना कितना हाइट रीच करेंगी, तो एच एम जो है इतना और एच टू एम इतना हाइट रीच करेगा।